Students, we will know about the things. Things means आप जानते हैं that things means समान होता है, चीज होता है. Things को जिसे हम लोग THINGS के नाम से जानते हैं, थिंग्स को हम लोगों ने दो भाग में बांट दिया है. इस धरती पे जितने भी थिंग्स हैं, जो भी आप देख रहे हैं, उस सभी चीजों को दो भागों में बांटा गया है. फर्स्ट जिसे हम लोग लिविंग थिंग्स के नाम से जानते हैं, और सेकंड जिसे हम लोग नॉन लिविंग के नाम से जानते हैं. फर्स्ट जिसे हम लोग लिविंग थिंग्स और सेकेंड जिसे नॉन लिविंग थिंग्स के नाम से जानते हैं. लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? तो जो खा सकता है, जो सांस ले सकता है, पानी पी सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, डेट इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? जो खाना नहीं खा सकता, सांस नहीं ले सकता, एक जगह से दूसरा जगह जा सकता है, उसे कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे कि ह्यूमन लिविंग थिंग्स है, खाना खाता है, सांस लेता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है. जितने भी एनिमल्स है वो लिविंग थिंग्स है. ट्री जो हो गया आपका पेड़, वो भी लिविंग ही होता है. नॉन लिविंग में आप इस दीवार को ले सकते हैं, इस व्हाइट बोर्ड को ले सकते हैं, जितने भी आप देख रहे हैं, चेयर, बेंच, कुर्सी, उस सब जो है जिसमें जान नहीं है, जो खाना नहीं खाता, सांस नहीं ले पाता. एलोप्लेन को देखिए, जो खाना नहीं खाता, सांस नहीं लेता, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो भी नॉन लिविंग ही है. ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आप लिविंग में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे. अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना कभी ना भूलिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए. इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद.